ऑफर लेटर जेन्युइन है या फेक है। बहुत सारा बंदे का भर भर के मेल्स आता है, मैसेज आता है, कमेंट्स आता है कि सर बता दीजिए मुझे ऑफर लेटर मिला है, ये कैसे पहचाने कि ये जेन्युइन है या फेक है। किसी को ऑनलाइन द्वारा मिला है, किसी को ऑफलाइन मिला है, किसी को किसी कंसल्टेंसी के द्वारा मिला है, किसी को किसी कंपनी के द्वारा मिला है, किसी को फेसबुक पे मिला हुआ नंबर से मिला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ऑफर लेटर जेन्युइन है या फेक है, कैसे पता करें। दोस्तों अगर आप YouTube में सर्च कर रहे हो कि ऑफर लेटर जेन्युइन है या फेक है, उसके बाद आपका मेरे सामने मेरा वीडियो आया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको कुछ समझाने का कोशिश करूंगा, कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, कुछ चीज डिस्कशन करूंगा, जिससे आप खुद पता कर सकते हैं कि आपके पास जो ऑफर लेटर पड़ा है वो जेन्युइन है या फेक है। अगर आप मेरे बातों से थोड़ा सा भी सहमत हुए, आप अगर खुद से जस्टिफाई कर लिए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही जेन्युइन वीडियो आपके सामने आते रहे। दोस्तों आपके पास जो ऑफर लेटर है, पहले आप पता कीजिए उस ऑफर लेटर का सोर्सेस क्या है। आप किसी जगह पे इंटरव्यू दिए थे, आप किसी ऑफिस में इंटरव्यू दिए थे, आप किसी क्लाइंट के सामने इंटरव्यू दिए थे, आप किसी कंपनी के द्वारा इंटरव्यू दिए थे, आप किसी कंसल्टेंसी के इंटरव्यू दिए थे, आप किसी फेसबुक पे मिला हुआ नंबर पे इंटरव्यू दिए थे। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, ऑफर लेटर को फाड़िए, फेंक दीजिए। अगर याद आ गया तो रुक जाइए, उसके बाद ऑफर लेटर को निकालिए, सही से रीड कीजिए ऊपर से नीचे तक। रीड कर लिया, कंपनी का नाम गूगल पे टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद दोनों का एड्रेस, लोगो, वेबसाइट, फोन नंबर, हर चीज मिला के देख लीजिए। हो सकता है 90% सही होगा, और होगा ही, क्योंकि जो आपको बेवकूफ बना रहा है उसको भी अच्छे से पता है कि वो सर्च करेगा, तो वो पहले से ही सेम बना के रखेगा। लेकिन आपको फिर भी देखना है, आपको फिर भी 5% ऐसा कुछ मिल सकता है जहां से आप जस्टिफाई कर लोगे, वेरीफाई कर लोगे कि वो सही है क्या गलत है। दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ कीजिए, बाद में आपको पछतावा नहीं होगा कि मैं कुछ किया नहीं, मैं खुद से ट्राई नहीं किया। अगर आप खुद से ट्राई करते हो, खुद से जस्टिफाई करते हो, तो बाद में जो होगा देखा जाएगा। क्यों किसी को ऐसा पैसा दे दोगे, क्यों आपका मेहनत का कमाई किसी के हाथ में दे दोगे। पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगता है, चाहे वो आपका हो चाहे मेरा। लेकिन कुछ बंदा ऐसा है जो गलत काम करके पैसा कमाता है, और मेरा जो काम है आपको सही रास्ता दिखाना, सही गाइड करना, सही बातें बताना। चलिए मैं आपको बताता हूं। आप रीड कर लिए, उसके बाद आप वेबसाइट पे जो मेल आईडी है, ऑफर लेटर में जो है वो नहीं, जो मेल आईडी है उस मेल आईडी में आपका जो ऑफर लेटर है वो अटैच करके लिख के भेज दीजिए कि सर आपके कंपनी के द्वारा मुझे ये ऑफर लेटर प्राप्त हुआ है, ये ऑफर लेटर सही है क्या गलत है। आप बोल रहे होंगे कि मेल का रिप्लाई नहीं होता, रिप्लाई नहीं आता। मान लिया मेल का रिप्लाई नहीं आता, कर सकते हो ना, कर दीजिए, कितना टाइम लगता है। लेकिन 10% भी चांस है आने का, कोई रिप्लाई करता ही भी है, मैं खुद रिप्लाई मिला है मुझे, तो मेल कर दीजिए, हो गया एक रास्ता। चलिए दूसरा रास्ता भी है, फोन नंबर देखिए, फोन नंबर पे कॉल कर डालिए, फोन नहीं उठा रहा है, फोन स्विच ऑफ आ रहा है, फेंक दीजिए। फोन उठा लिया है, इंग्लिश में बात कर रही है, बात कर लिए, नहीं तो जो इंग्लिश बात कर सकता है उससे बात करवा दीजिए, मालूम चल जाएगा। लोगों को अच्छे से देखिए, कोई डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस होगा, नहीं डिफरेंस आ रहा है, रुक जाइए और भी बातें बताता हूं। सैलरी देखिए, दोस्तों आपको अपना मार्केट वैल्यू पता है कि सऊदी अरब में, दुबई में, कतर में, बहरीन में, ओमान में, कुवैत में आपका जो ट्रेड है उसका कितना सैलरी चल रहा है। आपको हमेशा उस ऑपरेटर पे सैलरी बढ़ा के चढ़ा के रहेगा, आपको बहुत चीज फैसिलिटी दिया जाएगा जो आप उसके काबिल भी नहीं है, ऐसा रहता है, फेंक दीजिए। सही है, रुक जाइए और भी बताता हूं। सैलरी देख लिए,
सब कुछ देख लिए सही है, फिर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद आपको ऑफर लेटर भेजने के बाद ही आपको फोन कर रहा है, प्रेशर दे रहा है कि आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, 5,000-10,000। आप सोच रहे होंगे कि 5,000-10,000 दे देते हैं, लेकिन दोस्तों 5,000-10,000 के बाद वो 50,000 चार्ज करेगा, 1,00,000 चार्ज करेगा। अगर ऐसा कोई करता है फेंक दीजिए। कोई भी कंसल्टेंसी के पास अगर आपका ऑफर लेटर आया है, वो आपको कॉल करेगा, आपको बोलेगा कि आप ऑफिस में आ जाओ, ऑफिस विजिट करो, आपका ऑफर लेटर आया है, आपका डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ। आप ऑफिस विजिट करो, क्योंकि आप ऑफिस विजिट करने के बाद आप जस्टिफाई कर सकते हो। लेकिन कोई आपको फेसबुक से मिला हुआ नंबर से आपको बोल दिया कि आपका ऑफर लेटर आया है, पैसा दे दिए, पैसा मत दीजिएगा दोस्तों, ये सब फेक होता है। थोड़ा पानी पी लेता हूं, बहुत मेहनत लगता है बात करने में। चलिए फिर बात करते हैं। और एक तरीका होता है, बहुत सारा कंसल्टेंसी है जिसके पास आप गए, तुरंत अपना फील्ड बताए, वो आपको बता दिया कि आपका ट्रेड अवेलेबल है, आपका वैकेंसीज है। जब भी आप जाते हो तब भी वैकेंसीज मिलता है, और आपको बता देता है, मैं 2-4 बंदे को भेजा हूं, आपको दिखा देता है। दोस्तों वो खुद नहीं भेजा होगा, वो थर्ड पार्टी से किसी के भेजा होगा, लेकिन 2-4 ही भेजा होगा। फिर आपको बताएगा कि मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिखित करके दे देता हूं कि आपका वीजा आ जाएगा, आपका इतना सैलरी आएगा, सब कुछ दे देगा। दोस्तों मैं बहुत बारीकी से देखा हूं, इसीलिए आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं मेरा एक्सपीरियंस। ऐसे अगर बोलता है कि आप स्टैम्प पेपर दे रहा हो, आपको मिलेगा ही, आप फिर भी पैसा मत दीजिए, दोस्तों वो लोगों का काम ही है चीटिंग करना, डुप्लीसिटी करना। आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास स्टैम्प पेपर है, मैं पुलिस केस कर सकता हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप जान लीजिए। दोस्तों उन लोगों का काम ही है ये सब करना, बहुत दिन से कर रहा है, अभी भी कर रहा है, फ्यूचर में भी करेगा। लेकिन आप मेहनती हो, आप काम करके कमाते हो, आप घर का एक अकेला बंदा हो कमाने वाला, आप कितने दिन उसके पीछे पड़े रहेंगे, कितने दिन पुलिस स्टेशन में जाएंगे, कितना केस फाइल करोगे। ऐसे बहुत दिन बीत जाता है, बाद में आप खुद ही छोड़ दोगे कि जो गैस हो गया। इसीलिए मैं आपको बताता हूं, कुछ भी करने से पहले थोड़ा अपना स्किल लगा लीजिए, थोड़ा नॉलेज लगा लीजिए, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, आपको पछतावा नहीं होगा। और एक पॉइंट, एक ऑपरेटर का फॉर्मेट आया है जहां पे 10 बंदे का, 15 बंदे का, 5 बंदे का नाम दिया है, आपको सिलेक्ट किया गया है। दोस्तों ऐसा ऑपरेटर फेक होता है। ऑपरेटर आपको एक ही पेज में रहेगा, और अच्छा जो कहूंगा एक पेज में अच्छा जो कंपनी रहता है उसका ऑफर लेटर छोटा रहता है, एक ही पेज में रहता है, जो जरूरी है वही देता है। और ज्यादातर जो फेक रहता है वो 4-5 पेपर भी आपको दे देगा, लेकिन वो फेक रहता है। और एक बात है, आपके पास किसी ऑयल गैस का ऑफर लेटर आ गया कंपनी का, किसी पेट्रोकेमिकल कंपनी का ऑफर लेटर है, किसी बड़ी रिग कंपनी का ऑफर लेटर आ गया, दोस्तों आप कभी उस फील्ड में काम किए ही नहीं, आपको कुछ एक्सपीरियंस है ही नहीं, आप उतना एडुकेटेड नहीं हो, लेकिन आपके पास आ गया, दोस्तों ये फेक होता है। ऑयल गैस कंपनी कभी भी फ्रेशर्स बंदे को नहीं लेता, रिग कंपनी कभी भी फ्रेशर्स बंदे को नहीं लेता इतना आसानी से। तो अगर ऐसा ऑपरेटर आपके पास आ रहा है तो ये फेक है। अभी मैं आपको कुछ लाइव प्रूफ दिखा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बंदे मुझे ऑपरेटर भेजता रहता है कि सर बता दीजिए जिन्होंने फेक है, तो मैं उनको बता देता हूं, मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूं कि ऑपरेटर क्या होता है, वो ऑपरेटर जेन्युइन है या फेक है, आप भी लाइव प्रूफ देख लीजिए। को मैं लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ, मेरे पास बहुत ऑपरेटर पड़ा है, बहुत सारा बंदा मुझे पूछता है, तो मैं आपको एक ऑपरेटर दिखाता हूँ जहाँ पे आप पहचान सकते हो कि फेक है। देखिए एक KNPC का ऑपरेटर है, जहाँ पे नाम स्कैनर सब कुछ दिया गया है, कुवैत नेशनल पेट्रोलियम कंपनी का है, और इसमें सैलरी दिया गया है 180 KD प्लस ओवर टाइम है 8 आवर्स के बाद 1.5। और ये है कुवैत का पेट्रोलियम कंपनी, और ये बंदे फ्रेशर्स है, ये कभी पेट्रोल कंपनी में काम भी नहीं किया है, और ये इतना एडुकेटेड भी नहीं है। और इनको देखिए, फूड अकोमोडेशन, ज्वाइनिंग रिटर्न या टिकट, वीसा, इंश्योरेंस, सिविल ID, हर चीज़ इंश्योरेंस, हर चीज़ बड़ा चढ़ा के दिया गया है। तो अगर ऐसी फॉर्मेट पे आपके पास आता है ऑफर लेटर, तो आप समझ लीजिए ये फेक है। और आपको और दूसरा भी मैं दिखाता हूँ, देखिए ये KNPC का है, ये रिक्रूटमेंट निकला है, ऐसा भी रिक्रूटमेंट अगर निकलता है तो ये फेक है। यहाँ पे ना कोई
कंपनी जो ना कोई कंसल्टेंसी का नाम है ना कुछ है। देखिए सैलरी बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा है, इतना सैलरी नहीं देता। दूसरा देखिए हुंडई का, यहाँ पे देखिए कितना नाम है, 38 नाम है। मैं आपको 15-20 बोल रहा था, इसमें 38 नाम है जिसका सिलेक्टेड किया गया है। ऐसे अगर आता है इसके बाद आपको ऑफर लेटर देता है तो ये भी फेक है। या दोस्तों आप समझ लीजिए कि ये पूरा फेक होता है। तो मेरा जितना होता था मैं आपको कोशिश किया आपको समझने का, समझाने का, तो आप समझ गए होंगे। दोस्तों इस चैनल को अगर अच्छे लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को ऑल पे प्रेस करके रख दीजिएगा, ताकि ऐसे ही जेन्युइन वीडियो। को इतना देर से यही समझाने का कोशिश कर रहा था कि आप खुद जस्टिफाई कर सकते हैं कि ऑफर लेटर और फेक है जेनुइन है, इसीलिए खुद से थोड़ा जस्टिफाई कर लिए, थोड़ा अपना नॉलेज स्किल लगा लीजिए ताकि आपका पैसा बर्बाद नहीं हो जाए और मेरा जो लक्ष्य है आपको बचाना है। अगर आपको इस वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना ताकि ऐसे ही जेनुइन वीडियो आपके पास आता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही।